तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं मुंबई से शिरडी। एक्चुअली जाने का प्लान था भीमाशंकर, लेकिन अभी भीमाशंकर जाते तो लेट हो जाता और उतना मज़ा नहीं आता क्योंकि बहुत लेट हो जाता पहुंचने में। और घाटी का रास्ता है तो पूरा अपने को व्यू वगैरह भी देखने को नहीं मिलता। तो पहले जा रहे हैं शिरडी, आज शिरडी में रुकेंगे। आज संडे का दिन है तो जाने के लिए रोड भी खाली है। डेट आज है 13 अक्टूबर। और मेरे साथ है इस बार प्रिंस ठाकुर। हम जाने वाले थे बाइक से लेकिन आ गए गाड़ी से और अच्छा ही हुआ। अभी जो आपने अभी मैं एक शॉर्ट्स डालता हूँ थोड़ा इसके पहले का। ऐसा मौसम चेंज हुआ है कि अभी टाइम हो रहा है 4, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शाम के 7 बज गए। और अभी एक जगह रुके हैं फूड कोर्ट पे, कुछ नाश्ता वगैरह चाय पियेंगे, नाश्ता करके चाय पियेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं अब आज शिरडी में कैसा गर्दी है और आगे का रूट अपना कैसा रहता है। तो चलिए पहले मिलते हैं, पहले यहाँ कुछ नाश्ता करते हैं और उसके बाद जाते हैं आगे और देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। हम लोग अभी तक 50-60 किलोमीटर करीब करीब आ चुके हैं। बहुत दूर आ जाएगा वहाँ, इसके लिए मैं नहीं आया बाइक से। अब मौसम देख सकते हो कैसा मौसम है। यही है अपना स्टॉपेज, यहाँ मिसल पाव अच्छा मिलता है, वही खाने जा रहे हैं, प्योर वेज। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम हो गया है 5 बजने वाला है, 5-10-15 मिनट बाकी है। ये है अपनी छोटी सी गाड़ी और इससे हम जा रहे हैं। अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। मौसम तो बहुत ज़बरदस्त हो गया है, क्लाइमेट मुझे लगता है कि अंदाजन बताऊँ तो 22-23 डिग्री या 25 डिग्री हो गया होगा टेम्परेचर। अभी थोड़ा एसी चला, कांच खोल के चलाएंगे गाड़ी ताकि थोड़ा हवा लगे बाहर का फ्रेश नेचुरल। तो कैसा रहा मौसम? बहुत मज़ा आया, एकदम ऐसा मौसम एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि बारिश भी हो सकता है। बारिश था, बारिश जब आया था भाई तब तो तूफान आ गया था, पूरा बिजली बिजली कड़क रहा था। थोड़े टाइम के लिए तो लगा यू टर्न मारो लेकिन घर पे चलो, जो जब होना होता है, जब जिसको चाह होना होता है वही होता है वो। सही बात है, इसके लिए है हम लोग यहाँ पे और जा रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं आगे, देखते हैं आगे कसारा में क्या हाल है। देते हैं आपको आगे अपडेट। तो अब कसारा घाट भी क्रॉस कर लिया है और मौसम जैसा पहले था वैसा ही है, बारिश हो रही है, पूरा बादल लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि एकदम शाम हो गया, शाम के 6:30-7 बज गए। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 8 और हम लोग पहुंच चुके हैं सीएनजी स्टेशन पे जो कि एग्जैक्ट नासिक में है और यहाँ से करीब 90 किलोमीटर और मुझे अपने को शिरडी की ओर जाना है। रोड तो आज एकदम खाली था, प्लस क्लाइमेट भी यहाँ का बहुत अच्छा है। अब यहाँ से निकलेंगे सीएनजी में, 2-3 गाड़ी का लाइन है, ज़्यादा लाइन है नहीं। हमें हाईवे वाले पे भी नहीं भरा है, अंदर आने के बाद भरा रहा, अपने रास्ते में ही है कि अंदर जाना नहीं पड़ा। देखते अभी सीएनजी अपने को कितना मिलता है, एक बार फुल हो जाएगा 200 किलोमीटर आराम से जाएंगे। तो चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से, सीएनजी भरते हैं पहले उसके बाद जाते हैं। तो गाइस अब रात के बज चुके हैं 10:30 और हम शिरडी पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ पहुंच के कहीं खाना खाएंगे और कोई भी रूम वगैरह लेके वहाँ पे रुक जाएंगे रात के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों रात के बज चुके हैं 12 और हम पहुंच चुके हैं शिरडी और ये रूम ले लिया है, 2 लोगों के लिए 500 में मिला, जिसका लोकेशन में चाहिए तो डाल देता डिस्क्रिप्शन में, अच्छा रूम है और ये लोकेशन भी अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा मतलब घाई मतलब गर्दी नहीं है, थोड़ा खाली खाली एरिया है और रूम भी अच्छा है। और अभी सिर्फ सोना ही है, सुबह दर्शन करना और निकलना है, तो सिर्फ रात भर के लिए अच्छा है। चलो फिर गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह और जाते हैं दर्शन के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज हम लोग अब उठ चुके हैं, आज है 14 अक्टूबर और सुबह सुबह पहले चाय पी रहे हैं। टाइम हो रहा है सुबह के बज गए 9 और चाय पी के फ्रेश होंगे, नहाएंगे वहाएंगे और रात को आपको अच्छे से रूम ना दिखाओ तो अभी देख लो, यही रूम है छोटा सा, अच्छा है वैसे। सर इसका भी लोकेशन मैं डाल दूंगा, ये लोकेशन पे आपको लाइन से बहुत सारे होटल मिल जाएंगे और सब रीजनेबल ही है और अच्छा भी है, रूम भी अच्छा है, वॉशरूम वगैरह भी सबका अच्छा है। तो अब यहाँ से पहले फ्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं और आज का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, जैसे कल था तो और मज़ा आने वाला है। चाय भी ठीक ठाक है। तो 9:55 10 बज गया है, 11:30 बजे की आरती है, उसके पहले अपने को दर्शन करके निकलना है।
भाई सब हम निकल रहे हैं फ्रेश होके दर्शन करने के लिए। पहले जाएंगे शिरडी मंदिर दर्शन करेंगे और आसपास के छोटे मोटे मंदिर है, हनुमान जी मंदिर है, वो सब दर्शन करेंगे और फिर निकल जाएंगे। चलिए फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। दर्शन करके निकलते निकलते 2 बज चुका है। एक्चुअली हम लोग सोचा था कि आरती के पहले दर्शन करके निकल जाएंगे, लेकिन आरती में रुकना पड़ा और अब हम लोग जाके 2 बजे जाके निकले हैं यहाँ से। शिरडी से निकलने के बाद संगम नहर होते हुए हम भीमा शंकर जाएंगे और आप देख सकते हैं रोड का क्वालिटी कैसा है और व्यू वगैरह आज कैसा आ रहा है, जबरदस्त। तो अब पहुँचते हैं फटाफट, 200 किलोमीटर है यहाँ से करीब करीब, तो 6:30-7 बजे तक पहुँच जाएंगे। पूरा रास्ता डबल लेन है, लेकिन मंचर से जब भीमा शंकर का चढ़ाई चालू होगा जो ऊपर ऊपर जाते हैं पहाड़ पे, ये सिंगल रोड है, लेकिन ये भी रोड काफ़ी अच्छा है, अब तक तो काफ़ी अच्छा है। तो अब शाम के बज भी चुके हैं 5, अब पहुँचने वाले हैं। आने के बाद लेते पेड़ तो दोस्तों फाइनली रात के बज चुके हैं 9 और हम लोग दर्शन भी करके आ गए। अब एक्चुअली हम लोग यहाँ पहुँच गए थे 6:30 बजे ही, उस वक्त मौसम अच्छा था, लेकिन अभी बहुत बारिश है प्लस बिजली वगैरह भी बहुत कड़क रहा है, थंडर स्टॉर्म भी है। और यहाँ पे हम लोगों ने अभी रूम लिया है कि ये नया डेवलप हुआ है यहाँ पे, और रूम वगैरह काफ़ी अच्छा है। हम 2 जन के लिए हम लोग को 1500 में मिला है रूम, ऑफ सीज़न है इसके लिए, नहीं तो 2500-3000 रुपये रेट है इसका। अब देखिए यहाँ से व्यू कितना अच्छा है, मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ नीचे से कैसा दिखता है, और अब रूम देखिए पहले कैसा है। तो ये है अपना रूम जो कि 2nd फ्लोर पे है, और यहाँ से नज़ारा भी बहुत अच्छा है। अभी सुबह और अच्छा नज़ारा मिलेगा, सुबह का भी व्यू दिखाऊंगा, देखो थंडर स्टॉर्म भी दिख गया। और अब रूम देखिए, काफ़ी अच्छा रूम है, सब कुछ है, वॉशरूम वगैरह भी अच्छा है, गीज़र वगैरह है गर्म पानी है, कि यहाँ मौसम हमेशा ठंडा ही रहता है। थोड़ा सा दीवार वगैरह ये हो गया बारिश की वजह से, बाकी अच्छा है और हवा वगैरह मस्त चल रहा है, वेंटिलेशन वगैरह एक नंबर है। तो गाइस यही है हमारा स्टे, भीमा शंकर होम स्टे, यहाँ पे आके रुक सकते हैं। रूम अच्छे हैं लेकिन महंगे हैं, और बारिश वगैरह रहेगा तो लाइट नहीं रहता। कल हम लोग रात को लाइट चला गया था, उसके बाद 3 बजे के बाद फिर लाइट नहीं था, बहुत प्रॉब्लम हुआ। अब जाते हैं बस स्टॉप के पीछे जहाँ से बहुत ज़बरदस्त व्यू है। दर्शन वगैरह तो हमारा सुबह ही हो गया, 5:30 बजे का आरती था, वो आरती देखा फटाफट आ गए। तो यही है एसटी स्टैंड के पीछे से व्यू जो आपको दिख रहा है। तो गाइस फाइनली अब निकलते हैं हम अपने घर के लिए, जो कि है 250 किलोमीटर और मालशेज घाट से जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग की, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जो इस टूर में लिए हुए फ़ोटो है, वो कुछ फ़ोटोज़ में लास्ट में डाल रहा हूँ, देखो कितने अच्छे फ़ोटोज़ आए हैं।